प्लस टू कंट्रेक्चुअल कश्मीर। आज हम लोग यहाँ पे पूरे कश्मीर के डिवीजन के हर पार्ट से इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से हम सरकार से अपने जो इश्यूज हैं उसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। हमारा रिगुलराइजेशन का प्रोसेस काफ़ी टाइम से प्रोसेस में है, गवर्नमेंट ने हमें कंटिन्यू किया, मगर डिपार्टमेंट हमारा दोबारा से हर साल एग्ज़ाम कंडक्ट करने की कोशिश करता है। ये एक्सप्लॉयटेशन हर साल न्यूली लड़कों के साथ होती है, उनको यूज़ किया जाता है और थ्रो किया जाता है, हालांकि गवर्नमेंट की हम परमानेंट पॉलिसीज़ में अपॉइंट हुए हैं। हम मीडिया के माध्यम से ये बात गवर्नर साहब तक पहुंचाना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे साथ वादा किया था गया था, हम उनसे मिले थे, एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर से मिले थे, कि हमारा इशू जो है कोड ऑफ कंडक्ट के बाद सॉल्व कर दिया जाता है। अगर कोड ऑफ कंडक्ट के बाद हमारा इशू सॉल्व नहीं होता तो हम लोग इंडेफिनिट स्ट्राइक पे जा रहे हैं। जरूर, 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 जरूर। और आज हम मीडिया के माध्यम से डायरेक्टर साहब को ये बताना चाहते हैं कि हर साल एग्जाम लेना कोई रूल नहीं है, जबकि सैक ने हमें कंटिन्यू किया है। अगर आपको रिक्वायरमेंट है, आपकी कहीं पे भी वैकेंसीज खाली हैं, तो आप उनके लिए न्यू रिक्रूटमेंट कीजिए। नहीं, जो ऑलरेडी लड़के हमारे काम कर रहे हैं उन्हें एग्जेम्प्ट किया जाए, उन्हें घड़ी घड़ी अपनी जगह से तंग ना किया जाए। ये मिड सीजन है, इस टाइम बच्चों का पढ़ाई का सीजन होता है, जिसकी वजह से सारे बच्चों का सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है। हम आज मीडिया के माध्यम से ये चीज चाहते हैं कि मीडिया हमारी आवाज़ बन के हायर अथॉरिटीज तक ये बात पहुँचाए कि जो हाईली एजुकेटेड लड़कियों के साथ जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, PhDs हैं, नेट सेट हैं, जो एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, इस एक्सप्लॉयटेशन को ख़त्म किया जाए, और जो हमारा हक बनता है रेगुलराइजेशन का, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज कहती हैं कि इन्हें रेगुलराइज करना चाहिए, जैसे उन्होंने RRT SSA का इशू सॉल्व किया, सेम उसी पैटर्न पे हमारा इशू भी सॉल्व किया जाए। थैंक यू। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे।